खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। क्रिकेट मैच देख रहे चार दोस्तों के ऊपर गिरी दीवार, कोचिंग जा रही बीटेक की छात्रा को किडनैप कर किया दुष्कर्म। बुधवार को सीएम योगी से मिलेंगे सुमित के परिजन। अब खबरें विस्तार से। क्रिकेट मैच देखने घर से निकले पांच दोस्तों के ऊपर नील गोदाम की दीवार भर भरा कर गिर गई। इसमें चार दोस्तों की मौके पर ही मलबे में दबने से मौत हो गई, वही एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी दोस्त एक ही गांव के रहने वाले हैं। यह गोदाम अंग्रेजों के समय में बनाया गया था जो उसी समय से बंद पड़ा था। आगरा के ताज नगरी में दोपहर 2 बजे 10वीं छात्रा को जिंदा जलाने के बाद 5 बजे एक बीटेक छात्रा को किडनैप कर उससे गैंगरेप किए जाने से ताज नगरी दहल गई। आगरा वासियों की बेटियां असुरक्षित हो गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुमित के परिजन सीएम योगी से मिलने लखनऊ पहुंच गए हैं और 11 बजे उनसे मुलाकात करने वाले हैं। परिजन सुमित के लिए शहीद के दर्जे की मांग कर रहे हैं। सुमित की बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के छिंगर आउटी चौकी पर भड़की हिंसा में गोली लगने से मौत हो गई थी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।